सो हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज इन्फोटेक सेस यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में जो कि सेशन नंबर 9 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ OneDrive। OneDrive का यूज़ कैसे होता है। OneDrive जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, नीचे यहाँ पे ऑप्शन में आता है OneDrive का, जो कि नीचे जो आपका टास्क बार या टास्क पैनल होता है इसमें, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। जैसे डबल क्लिक करो, यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे ये तो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है और ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली इसका यूज कैसे करना है और सारी चीज़ें। साइन इन पे क्लिक करिए तो इस तरीके से आएगा। गाइज, OneDrive क्या है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, जिसमें आपको क्या फीचर फंक्शन सारी चीज़ें मिलती हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, OneDrive जब आपने ओपन किया तो यहाँ से पूछ रहा है कि इंटर योर ईमेल एड्रेस। तो गाइज, आपका ईमेल एड्रेस क्या जीमेल का काम करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पे जाकर एक आईडी बनानी पड़ेगी, hotmail.com या outlook.com पे। दो चीज़ पे आप बना सकते हो। कैसे बनाना है आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और लिखिए आप OneDrive लॉगिन। तो OneDrive लॉगिन जब आप ओपन करोगे, यहाँ से देखो माइक्रोसॉफ्ट OneDrive आया, इस पे आपने क्लिक करना है और आपको क्या ऑप्शन मिलता है देखते हैं। यहाँ पे देखो अबाउट साइन इन और यहाँ पे दिया है क्रिएट वन, तो क्रिएट वन पे क्लिक कर लीजिए। और क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद देखो, अगर आप बिजनेस आईडी लेना चाहते हो तो आपको पैसे पे करना पड़ेगा। अगर आप क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सिर्फ क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर दो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आपको मिलता है। गाइस, बहुत आसान है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, आपके मार्कशीट, आपके फोटोज़ वगैरह अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे दे रहा है क्रिएट अकाउंट। क्या यहाँ पे मेल आईडी आपको पता चल रहा है क्या लास्ट में लिखना है क्या वो? तो गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे outlook.com या hotmail.com पे आपको आईडी बनानी है। आईडी कैसे बनानी है, कोई भी आप यहाँ पे नाम लेकर क्या कर दोगे, लाइक ABC ये कुछ भी लेकर 2019 आपने नाम के साथ नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे नया पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें देकर आपको दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ना। देखो नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये आपकी मेल आईडी है, नेक्स्ट करिए और एक बार और नेक्स्ट बटन पे दबाइए और थोड़ी देर वेट करिए। जब आप थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे एक कैप्चे कोड आएगा। कैप्चे कोड कैपिटल लेटर में सारा होता है, लाइक WNG4 और फिर यहाँ पे दिया हुआ है WS, ये दिया हुआ है। जब आप इसको 4 यहाँ पे नहीं, डॉलर साइन हो गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4 और यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह देकर आपको वेरीफाई करा लेना है और अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। जब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन आपको क्या करना है, जैसे OneDrive है ये, आपने लॉगिन करना है। साइन इन कर लीजिए OneDrive पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे मेरे पास मेल आईडी है, जैसे कि मेरा मेल आईडी और यहाँ पे शायद 2097 यही था, नेक्स्ट कर देना है। हाँ यहाँ पे नहीं 2018 शायद है, मैं भूल गया, थोड़ा सा भूल रहा हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ एक मिनट यहाँ पे क्या है मेरा आईडी। तो गाइज़, यहाँ पे आपका जो भी मेल आईडी आपने बनाया था आउटलुक पे, उसको यहाँ पे इंटर करना है। तो मैंने बनाया था seshchauhan@outlook.com पे बनाया था। आप हॉटमेल या आउटलुक दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है एंड देन आपसे पूछेगा इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड जो भी आपने दिया था यहाँ पे गाइज़, क्या कर देना है, वो पासवर्ड इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर देता हूँ एंड देन साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं पासवर्ड आईडी सेव कर देता हूँ क्योंकि मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं करता, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। तो ये बेसिक फीचर एंड फंक्शंस है। देखो 5GB का डेटा आपको क्या मिला है, सॉरी स्टोरेज आपको क्लाउड पे मिला है। 5GB तक आप डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर, सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं यहीं से, और कहीं से भी किसी को वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस भी करा सकते हैं। अब दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक फ़ोटो, लाइक यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से एक फ़ोटो टाइप करता हूँ, लाइक मैं ये फ़ोटो कॉपी करता हूँ, लाइक ये डेस्कटॉप पे मैंने रख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो अपलोड ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है यहाँ पर क्लिक करके।
और किधर को गया, यहाँ से अपलोड, तो अपलोडिंग वन आइटम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो ये हो गया अपलोड। कीप बोथ या रिप्लेस, रिप्लेस क्योंकि दो बार मैंने किया था तो दो बार ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वो फोटो क्या होगी, अपलोड हो गई, अपलोड। अब यहाँ पे फोटोज़ पे आप जाइए तो जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया था लाइक ये, आपको फ़ोटो यहाँ पे मिल गई। तो ये है, और थोड़ा सा बैग जाता हूँ मैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, वैसे काफ़ी बेस्ट है। और आप चाहो तो यहीं से अपलोड कर सकते हो, न्यू कर सकते हो यहाँ से अपलोड। देखो गाइस, करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल करना है, पूरा का पूरा फोल्डर ही अपलोड करना है। आप यहाँ से कर सकते हो, पर्टिकुलर फोल्डर को क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। लाइक की शेयर ऑप्शन पे जाइए, और शेयर ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे ये फ़ोटो है, सॉरी ये फ़ोटो है, अब देखिए दिया है रोटेट शेयर और ये सारी चीज़ें। शेयर पे क्लिक करिए तो आपको एक यूआरएल मिलेगा। यूआरएल जो मिलेगा जैसे अलाउ एडिटिंग, आप जब शेयर कर रहे हो किसी को तो क्या उस पर कोई चेंजेस करवाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें नहीं। जो भी आपको चाहिए, अलाउ एडिटिंग वगैरह करना है तो कर दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। सेट पासवर्ड करना है तो पासवर्ड लगा सकते हो आप, तो इसके लिए प्रीमियम अकाउंट आपको चाहिए। और गेट अ लिंक, लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक यूआरएल मिलेगा जो आप किसी को व्हाट्सएप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लाइक कॉपी कर लीजिए, ये किसी को भी शेयर करेंगे तो वो पर्टिकुलर बंदा इस पर्टिकुलर फ़ोटो को कहीं से भी क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये रहा बेसिक सेटिंग टाइप का कुछ पार्ट, जिसमें आप क्या करते हो, शेयर कर सकते हो अपनी फाइल फोल्डर्स एंड फ़ोटोज़ को। तो ये है, उसके बाद गाइज आप ये सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ से देखो लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ से जाके साइन आउट करना है, कुछ बेसिक सेटिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है, उसके बाद गाइज मैं बता दूँ आपको, वन ड्राइव को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इसको क्लोज कर दूँ, अब ये जो वन ड्राइव इनबिल्ट ऑप्शन है इस पर आप वही चीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपना मेल आईडी डाला एंड देन एट द रेट पूरा आपको लिखना पड़ेगा outlook.com, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे और पासवर्ड डाल देंगे, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा, और ये एक ऑप्शन है, यहाँ से भी यूज कर सकते हो, सेम चीज़ मिलेगी आपको। तो मैंने कंप्लीट इसका ओवरव्यू दिखाया, कैसे आपको आईडी बनानी है, कैसे वन ड्राइव का यूज़ है। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, इस फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के फील्ड में। अगर आईटी फील्ड में एक करियर बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी सेटिंग्स से बट आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो गाइस यही रहा वन ड्राइव का यूज़, माइक्रोसॉफ्ट पे जो 5 GB फ्री स्पेस के साथ आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है ना इसको आप मत यूज़ करो, आप डायरेक्ट कहाँ से यूज़ करो, ब्राउज़र से। मैंने आपको बताया ना, आप ब्राउज़र में जाए, गूगल पे लिखिए वन ड्राइव, आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। तो ये रहा बेस्ट तरीका वन ड्राइव यूज़ करने का। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय। I've tried so many times to